गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं ईएसआईसी का 2019 का क्वेश्चन पेपर शिप टू का। इसमें हम आज लास्ट 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकेशनल एमनोरिया एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय। लोकेशनल एमनोरिया इनमें से किसके द्वारा गर्भनिरोधक विधि के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रिवेंटिंग स्पर्म एंट्री, 2 स्पर्मेसाइडल एक्शन, 3 प्रिवेंटिंग ओवुलेशन एंड 4 प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। लोकेशनल एमनोरिया जो है वो कैसे एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहाँ यूज़ होता है, कैसे यू एक्ट करता है, तो वो ओवुलेशन प्रिवेंट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड इनवॉलेंटरी और इंटेंशनल पैसेज ऑफ फीसेस बाय अ चाइल्ड इन इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस आफ्टर द एज वेन बॉवेल कंट्रोल इज नॉर्मली एक्सेप्टेड इज कॉल्ड। जब आत्र नियंत्रण सामान्य रूप से अपेक्षित होता है तो उस उम्र के बाद अनुचित स्थानों पर बच्चे द्वारा मल के बार बार अनिच्छिक या जानबूझकर त्यागने को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इन्यूरेसिस, 2 इनकोप्रेसिस, 3 नाइट स्वेट्स एंड 4 नाइटमेयर्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज इनकोप्रेसिस। अगर इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे चाइल्ड फीसेस पास कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे इनकोप्रेसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इज। सिस्टिक फाइब्रोसिस के वंशानुगत मोड को क्या कहा जाता है, कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोसोमल डोमिनेंट, 2 ऑटोसोमल रिसेसिव, 3 एक्स लिंक्ड डिजीज एंड 4 नॉन मेंडेलियन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन नॉर्मल एवरेज इन्फंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ देन दैट एट बर्थ एट द एज ऑफ 1 ईयर इज। किसी सामान्य औसत शिशु में जन्म के समय से 1 वर्ष के आयु तक शरीर की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन 10%, 2 20%, 3 50% एंड 4 75%। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 50%। जब न्यूबॉर्न रहता है तब की हाइट, और जब वो 1 ईयर का हो जाता है तब की हाइट, तो इसमें कितना इंक्रीमेंट होता है? तो वो 50% होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसेफाली इज अ डायग्नोज्ड वेन हेड सर्कमफेरेंस इज लेस देन। माइक्रोसेफाली का उपचार तब किया जाता है जब शीर्ष परिधि रिक्त से कम हो। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कम अगर हेड सर्कमफेरेंस रहता है तो हम माइक्रोसेफाली डायग्नोस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीरियर फ्रंटेनल क्लोज्ड बाय। एंटीरियर फ्रंटेनल कब बंद हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन एट बर्थ, 2 मंथ ऑफ एज,
third 9 to 18 month of age, and last option second to third years of the age, and correct option is 9 to 18 month of the age. Anterior frontanal cup close ho jata hai 9 to 18 month of age. एंड ये जो एंटीरियर फ्रंटैनल होता है ये डायमंड शेप का होता है और 18 मंथ में क्लोज होता है. और दूसरा एक फ्रंटैनल रहता है बेबीज़ में, वो है पोस्टेरियर फ्रंटैनल. वो जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और वो जो है वो 3 मंथ या फिर 3 मंथ में क्लोज होता है आफ्टर द बर्थ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग. नवजात परिपक्वता का मूल्यांकन किसका उपयोग करके किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन अबगार स्कोर, सेकेंड बलार्ड स्कोर, थर्ड ओलियंडर स्कोर एंड फोर्थ चैंडलर स्कोर. एंड करेक्ट ऑप्शन इज बलार्ड स्कोर. न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग कैसे करते हैं? बलार्ड स्कोर यूज़ करके. द टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड अर्ली नियोनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड. द टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड अर्ली नियोनेटल डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड. हर 1000 जीवित जन्मों में गर्भ और आरंभिक नवजात मृत्यु की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पेरिनेटल मॉर्टेलिटी, सेकेंड नियोनेटल डेथ, थर्ड इंट्रायूटेराइन डेथ एंड फोर्थ फीटल डेथ. एंड करेक्ट ऑप्शन इज पेरिनेटल मॉर्टेलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर स्किन टर्गर इन नियोनेट्स एंड इन्फंट्स इंडिकेट्स. नवजात शिशुओं और शिशुओं में खराब त्वचा का क्या दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन हाइपोग्लाइसेमिया, सेकेंड हाइपोकैल्सेमिया, थर्ड डिहाइड्रेशन एंड फोर्थ हाइपरटोनिया. एंड करेक्ट ऑप्शन इज डिहाइड्रेशन. अगर इन्फंट और नियोनेट्स में स्किन टर्गर पुअर रहता है तो ये डिहाइड्रेशन डिनोट करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे इज सीन इन द केस ऑफ. एक्सरे में वायु श्वसन चित्र किस स्थिति में दिखाई देता है? फर्स्ट ऑप्शन सेप्सिस, सेकेंड ट्यूबरकुलोसिस, थर्ड ब्रोंकियल अस्थमा एंड फोर्थ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. एंड करेक्ट ऑप्शन इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. इसमें अगर एक्सरे निकालते हैं तो उसमें एयर ब्रोंकोग्राम दिख रहा है, मींस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है पेशेंट को. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड अलोंग विद ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड. स्तनपान के साथ ठोस खाद्य पदार्थ खिलाना प्रारंभ करने के कार्य को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन डिमांड फीडिंग, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, थर्ड शेड्यूल फीडिंग एंड फोर्थ कंडीशनल फीडिंग. एंड करेक्ट ऑप्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 to 3 years द डेवलपमेंटल स्टेज अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड थ्योरी इज. 1 से 3 वर्ष के आयु में फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार विकासात्मक चरण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ओरल, सेकेंड एनल, थर्ड फैलिक एंड फोर्थ जेनाइटल. एंड करेक्ट ऑप्शन इज एनल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ डे ऑफ हेल्थ कंसर्न विथ प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शन इज कॉल्ड. उचित जैविक कार्य प्रणाली से संबंधित स्वास्थ्य के आयाम को क्या कहा जाता है? उस डायमेंशन को क्या कहते हैं जो
हेल्थ के रिलेटेड होता है और बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन फिजिकल डायमेंशन, सेकंड मेंटल डायमेंशन, थर्ड स्पिरिचुअल डायमेंशन एंड फोर्थ सोशल डायमेंशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज फिजिकल डायमेंशन। जो डायमेंशन हेल्थ और प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के रिलेटेड होता है उसे हम फिजिकल डायमेंशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज अ मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन मृत्यु दर सूचक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्रूएट डेथ रेट, सेकेंड इंसिडेंस रेट, थर्ड प्रीवेलेंस रेट एंड फोर्थ डिसेबिलिटी रेट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज क्रूएट डेथ रेट इज नॉट द मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन द कंटेस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इज। सामुदायिक स्वास्थ्य के संदर्भ में DALY का पूर्ण रूप में क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन डिसेबिलिटी अडाप्टेड लाइफ ईयर्स, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर्स, थर्ड डिसीज एडजस्ट लाइफ ईयर्स एंड फोर्थ डिसीज अडाप्टेड लाइफ ईयर्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर्स। डेली का फुल फॉर्म क्या है कम्युनिटी के रिलेटेड, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। द फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम इज। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पहला रेफरल स्तर क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन प्राइमोर्डियल हेल्थ केयर, सेकेंड प्राइमरी हेल्थ केयर, थर्ड सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड फोर्थ टर्शरी हेल्थ केयर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंडरी हेल्थ केयर। जो रेफरल सिस्टम होती है कम्युनिटी हेल्थ केयर में के रिलेटेड, उसमें रेफरल सिस्टम में फर्स्ट रेफरल लेवल कौन सा होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ हाई रिस्क फैक्टर दैट माइट अफेक्ट वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी। निम्नलिखित में से कौन उच्च जोखिम कारक नहीं है जो किसी निर्माण कंपनी में श्रमिकों को प्रभावित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन चेस्ट डिजीज, सेकेंड माल न्यूट्रिशन, थर्ड ट्रॉमेटिक इंजुरीज एंड फोर्थ एलर्जिक डिजीज। एंड करेक्ट ऑप्शन इज माल न्यूट्रिशन। अगर कोई एम्प्लॉय कंस्ट्रक्शन वर्करी में कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उनको किस बात से रिस्क नहीं होता, तो उनको माल न्यूट्रिशन का कोई रिस्क नहीं होता, बल्कि उनको चेस्ट डिसीज हो सकता है या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है या फिर एलर्जीज हो सकती है, लेकिन माल नरिशमेंट जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो डज नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग हजार्ड इन अ स्कूल सेटिंग। निम्नलिखित में से कौन स्कूल सेटिंग में खतरों को नियंत्रित करने के में सहायक नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन द स्कूल शुड बी बिल्ट नियर फॉर द सोर्स ऑफ नॉइज फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉइज। द स्कूल शुड बी वेल वेंटिलेटेड। थर्ड हेल्थ एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। फोर्थ फूड सप्लाई टू द स्टूडेंट्स शुड बी सेफ। एंड करेक्ट ऑप्शन इज द स्कूल शुड नॉट बी बिल्ट नियर फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉइज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज ऑकर थ्रू। रोगों का सीधा संचरण किसके माध्यम से होता है। थर्ड ड्रॉपलेट एंड फोर्थ प्लासेंटा। एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रोग का साक्षिपिक जोखिम किससे प्राप्त किया जा सकता है।
the relative risk of the disease can be obtained from first case study, second cohort study, third case control study, and fourth experimental study. And cohort study is the correct answer. किसी भी disease के relative risk के बारे में अगर जानना हो तो हमें cohort study करके पता चल सकता है. देन यहाँ पे 5 क्वेश्चन. अब तक हमने नर्सिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, अब यहाँ जनरल नॉलेज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है. फर्स्ट ऑप्शन दिसपुर, सेकेंड ईटानगर, फोर्थ कोहिमा एंड थर्ड कोहिमा एंड फोर्थ इम्फाल. एंड करेक्ट ऑप्शन इज इम्फाल. मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, लायन टेल्ड मैकैक्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया. भारत में किस हिस्से में शेर जैसी पूंछ वाले मैकाक पाए जाते हैं. फर्स्ट ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, सेकेंड आसाम, थर्ड सिक्किम एंड फोर्थ पश्चिमी घाट. एंड पश्चिमी घाट ये जो है वो सही आंसर है, जहाँ शेर जैसी पूंछ वाले मेकैक पाए जाते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरिया गोंड ट्राइब लिव्स इन, मुरिया गोंड जनजाति कहाँ रहती है. फर्स्ट ऑप्शन मणिपुर, सेकेंड आंध्र प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़ एंड फोर्थ केरला. एंड करेक्ट ऑप्शन इज छत्तीसगढ़. मुरिया गोंड ट्राइब कहाँ रहते हैं, छत्तीसगढ़ में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान अटैक यूएस बेस्ड पर्ल हार्बर इन, जापान ने किस वर्ष में अमेरिका बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया. फर्स्ट ऑप्शन 1940, सेकेंड 1941, थर्ड 1939 एंड फोर्थ 1943. एंड करेक्ट ऑप्शन इज 1941 में जापान ने अमेरिका बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था, 1941. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था. बैटल ऑफ प्लासी लुक टुक प्लेस इन द ईयर. फर्स्ट ऑप्शन 1761, सेकेंड 1758, थर्ड 1757 एंड फोर्थ 1760. एंड करेक्ट ऑप्शन इज 1757. प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में. थैंक यू.